오케이. हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? करता हूँ सब बढ़िया होंगे भाइयों। तो हेलोवीन वीक चल रहा है भाइयों, तो हेलोवीन के सारे भी कलम बाय कर चुके हैं, सारी वीडियो डल चुके हैं। जिसने नहीं देखी देख लेना, चैनल पे पड़ी है और आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ भी मिल जाएंगी। तो अब हमारे बच्चे हैं भाई इस हफ्ते डिस्काउंटेड व्हीकल, जो कि स्पेशल व्हीकल जो व्हीकल वेयर हाउस में स्टोर होते हैं तो उन पर डिस्काउंट है। तो मेरे पास बगी है ऑलरेडी, तो मुझे दो चीज़ और चाहिए जिन पर डिस्काउंट है, तो उनको ख़रीदेंगे हम। तो आज ख़रीदेंगे हम फैंटम वेज ट्रक, जो कि रैम बगी सा, मतलब रैम बगी का बाप कह सकते हो इसको। तो इन बहुत महंगे व्हीकल है वैसे ये, तो इनको डिस्काउंट पे ख़रीद लेते हैं हम, चाहिए ही थे ये, तो ख़रीदते हैं इसको भाई। तो ये हो गया परचेज़, अभी आएगा मेरे व्हीकल वेयर हाउस में। ये स्पेशल व्हीकल है, आम व्हीकल नहीं है। इसको अगर ख़रीदना है तो आपके पास भाई व्हीकल वेयर हाउस होना चाहिए। तो मैं ख़रीद रहा हूँ, अभी दिखा देता हूँ कैसे इसको मंगाते हैं। तो व्हीकल में जाके स्पेशल व्हीकल में इनको ऐसे ऑर्डर करते हैं, लेकिन अभी ये आया नहीं है। अभी इसकी डिलीवरी जब तक नहीं होगी तब तक ये मुझे नहीं मिलेगा। तो इतना हम क्या कर सकते हैं, इतना हम रैम बगी मंगा लेते हैं अपनी, इतना उससे ही टाइम पास करेंगे। इतना ये आए, पहले रैम बगी की टेस्टिंग दिखाता हूँ वो क्या करती है, और फिर इसकी दिखाऊंगा फैंटम की। तो रैम बगी आ गई है मेरी, अब दिखा देता हूँ ज़रा इसको चला के, क्यों ये स्पेशल व्हीकल है और क्यों फैंटम वेज एक स्पेशल व्हीकल है। तो ज़रा देखो, इस गेम में इस व्हीकल से हम बहुत सही टाइम पास कर सकते हैं, बहुत सही ट्रोल कर सकते हैं दूसरे प्लेयर्स को भी। तो पहले इसका ऐसा था कि ये बगी अगर मतलब तीन चार गाड़ियाँ इस पर चढ़ जाएं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया रॉकस्टार ने। अब ये इसको कुछ भी नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो इसके साथ, कितनी गाड़ियाँ उड़ा लो, अब इसको फिक्स कर दिया थोड़ा रॉकस्टार ने। तो बहुत सही व्हीकल्स हैं ये, अरे परफेक्ट लैंडिंग। तो किसी मतलब फुल लॉबी में होकर तो प्लेयर्स को ट्रोल करने के लिए बहुत सही व्हीकल है ये रैम बगी। सब चीज़ ओवरऑल इसकी सही है, हैंडलिंग ब्रेकिंग हर चीज़ बढ़िया है। लेकिन जो फैंटम है जो अब हम ले रहे हैं, उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो मतलब गाड़ियाँ उड़ाता नहीं है, मतलब वो बड़े बड़े व्हीकल साइड ज़रूर कर देता है, लेकिन वो ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकता गाड़ी, लेकिन बगी उड़ा सकती है और वो साइड कर सकता है। यानी मतलब इनमें ये फ़र्क है दोनों में, फिर भी वो महंगा है ज़्यादा शायद, पता नहीं अभी तो डिस्काउंट चल रहा है। तो ये इनके अलग अलग यूज़ हैं, वो बड़े व्हीकल्स को हटा सकता है, ये नहीं हटा सकती। ये छोटी गाड़ियों वगैरह को सबको उड़ा सकती है, और वो साइड में कर सकता है गाड़ियों को भी, क्योंकि उसका थोड़ा अलग है आगे से ये ढलान, और इसकी अलग है रैंप यानी। तो आ गया हमारा फैंटम, अब ज़रा इसको पार्क करते हैं और उसको मंगाते हैं, उसकी दिखा देता हूँ टेस्टिंग। पर्सनल व्हीकल स्पेशल व्हीकल में आएगा, और अभी नहीं आएगा, पहले ये भगानी पड़ेगी बगी, एमसी रजिस्टर करके इसको रिटर्न करते हैं, तो अब आ जाएगा वो। और व्हीकल्स में जाके स्पेशल व्हीकल में, ये नाइट क्लब के व्हीकल है ये रहा फैंटम वेज, इसको करते हैं ऑर्डर, और अभी आएगा। ज़रा देखते हैं ये गाड़ियों को हटा पाएगा कि उड़ा पाएगा, उड़ा तो पाएगा नहीं खैर, लेकिन हटा देगा, और बड़े बड़े व्हीकल को भी ये हटा देगा। तो ये आ गया, देख लो इसकी सही हाइपर चीज़ है ये आगे से। तो इसके ढलान में, उसके ढलान में बहुत फ़र्क है, ये ब्लॉकेज हटाने के लिए है और वो उड़ाने के लिए है। तो दिखा देते हैं ज़रा ये गाड़ियों के कैसे रिएक्शन करेगा गाड़ियों पे, ये बगी से बिल्कुल अलग। तो एक तो उड़ा दी इसने, और ये देखो साइड कर दी, ये साइड कर दी, यानी ये मतलब गाड़ी उड़ाने के बजाय ये उनको साइड से हटा सकता है रास्ते से। ये देखो इसका काम वो है, और बड़ा व्हीकल कोई मिल नहीं रहा रोड पे, कोई ट्रक वगैरह, यही तो उस पर टेस्टिंग करके मैं दिखाता, फिलहाल तो कोई बड़ा व्हीकल नहीं दिख रहा है। तो ये सारी गाड़ियां साइड करने के लिए है। तो एक काम करते हैं, इसे एलएस कस्टम एक बार लेके चलते हैं और देखते हैं इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि इसको कर सकते हैं, देखते हैं एक बार, फिर भी एलएस कस्टम पास में ही है, देखते हैं कि इसको मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं। वैसे कुछ स्पेशल व्हीकल हो जाते हैं जैसे कि रूनर, और भाई ये रैम बगी भी हो जाती है, लेकिन इसका मुश्किल लगता है कि ये मुझे लगता भी नहीं कि आएगा ये एलएस कस्टम के अंदर जाएगा ये। और यहाँ से देखते हैं, देख लो इसकी, ये तो फिट ही नहीं हो सकता,
दिस व्हीकल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी ये मॉडिफाई नहीं होगा कहीं से भी, तो बस बेहतर है कि इसको ऐसे ही चलाएं। इसमें वैसे मॉडिफाई करने जैसा कुछ है भी नहीं, तो एक बार एक ट्रिक और ट्राई करते हैं, अपने MOC को मंगा के देखते हैं कि ये MOC की जो कैब है बड़ी वाली, ये उसको चला पाएगा कि नहीं। जैसा कि MOC का ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा सुपर वो होता है, मतलब इतनी बड़ी कैब खींच लेता है फुल स्पीड में भी वो, तो क्या इसके अंदर इतनी पावर है कि ये उसको ख़रीद पाएगा। तो MOC तो आ गया है, देखते हैं। अब मैंने शायद ख़रीद पाएगा बोल दिया, खींच पाएगा मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो खींच पाएगा, देखते हैं। वैसे इसके अंदर भी बहुत पावर है, लेकिन MOC का कैब अलग ही है, वो सबसे बेस्ट कैब है इस गेम में। उसके जैसा कैब मतलब ट्रक कोई नहीं है उसके इतनी पावर वाला। देखते हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं है, सामने है मेरे ख्याल से। ये भी टेस्टिंग कर ही लेते हैं, और कुछ तो इस वीडियो में हम कर नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ उड़ाते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। तो ये MOC खड़ा है मेरा, देखते हैं एक बार। और भाई इसके तो अलग ही ताकत है इसके ट्रक में। इसको हटाते हैं, ये बड़ी सी कैब, अब देखेंगे फैंटम चला पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पार्किंग में इसको लगाएंगे, और अब चेक करते हैं इसको अटैच करके कि हो भी पाएगा कि नहीं, क्या पता अटैच ही ना हो। ये ऐसे हो जाना चाहिए, इसके पीछे दिया है हुक, मत हट के। ए लो, पुलिस भी मेरे पीछे लग गई है, तो इसको परफेक्ट तरीके से लगाना पड़ेगा शायद। हाँ, तभी लगेगा ये, देखते हैं एक बार और। सही पोजीशन में लाते हैं इसको, इसके बिल्कुल सामने, तो शायद ये अटैच हो जाएगा। ये सही है। और भाई ये हुआ है क्या, हो गया था ये, मैंने फिर डी अटैच कर दिया। ये हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ ये हो गया अटैच, कुछ भी नहीं करना पड़ता, यानी सिंपल इसको लिया और हो जाता है। अब देखते हैं कि ये इतनी परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि ये तो गाड़ियाँ हटा सकता है। तो ये लो, पहले देख लो, क्योंकि हमारा जो हॉलर कस्टम है, जो MOC का ट्रक है, वो तो गाड़ियाँ सामने से नहीं हटा सकता, पर ये हटा सकता है। तो इसको कुछ एडवांटेज तो मिलेगा MOC को चलाने का, यानी MOC बीच में फंसेगा नहीं, क्योंकि ये उसके लिए जगह बनाता हुआ चलेगा पहले ही। तो जैसा एक्सपेक्टेड था इससे वैसा ही हुआ है, यानी इसको भी लगा के चला सकते हैं MOC के आगे, ये अपने आप उसके लिए जगह बना देगा, जैसे कि उसको पूरा 1 करोड़ चाहिए चलने के लिए। तो कोई कंप्लेंट नहीं है इसमें, बहुत सही चल रहा है, और बहुत सही MOC को भी चला पा रहा है। तो और क्या चाहिए, और स्पीड भी इसकी बहुत सही चल रही है, और गाड़ियों की वजह से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड में, गाड़ियाँ मतलब आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ ये पेड़ वगैरह से फ़र्क पड़ जाता है। तो बस इसकी टेस्टिंग बहुत हो गई है, सारा कुछ प्रूव हो गया, ये क्या क्या कर सकता है क्या नहीं। तो अब देखते हैं ज़रा, पुलिस हटा के MOC के अंदर जाके पुलिस हट जाती है, देखते हैं इसको साइड में लगा के हटेगी कि नहीं। तो ये जगह ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो लो, अभी ब्लू मार्कर था, अब नहीं जा पा रहा, ये सही है। तो इसको भेजना पड़ेगा वापस ज़रा, या तो लेस्टर से मैं हटवा देता हूँ पुलिस, नहीं तो मेरा व्हीकल ले जाएंगे, अभी नया लिया है पहले ही। तो ठीक है, हटवा देते हैं, सही है भाई, हट गया। तो अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, ये ट्रक मैंने दिखा दिया क्या कुछ कर सकता है क्या कुछ नहीं। तो मिलेंगे भाई अगली वीडियो में रूनर 2000 के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।